शारदीय नवरात्रि 2023 नवरात्रि के पांचवा दिन माता स्कंद माता की पूजा विधि व्रत कथा मंत्र और उपाय। आज 19 अक्टूबर को नवरात्रि के पांचवें दिन शारदीय नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे भगवान स्कंद कार्तिकेय की माँ है। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय भी कहा जाता है और इन्होंने प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति के रूप में भाग लिया था। पुराणों में इनको कुमार और शक्तिधर के नाम से भी जाना जाता है और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। वे मयूर के वाहन पर सवार होते हैं और स्कंद माता के मूर्ति में भगवान स्कंद जी बाल रूप में उनकी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति नवरात्रि के पांचवें दिन का व्रत रखकर माता की पूजा अर्चना करें तो सूनी गोद जल्द भर जाती है। चलिए हम माता स्कंद माता के स्वरूप भोग आरती और मंत्र के बारे में जानते हैं। देवी स्कंद माता का कथा और भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति। बहुत समय पहले भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को विसर्जित कर दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी सांसारिक मामलों को छोड़ने का फैसला किया और गहरी तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर हमला करके दहशत और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। ये बड़ी चिंता का कारण था क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। तो अन्य सभी देवताओं के अनुरोध पर ऋषि नारद ने माँ पार्वती से मुलाकात की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। ऋषि नारद ने समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर को हराएगी। माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और तपस्या करनी पड़ी ताकि वे उनके बच्चे की प्राप्ति के लिए तैयार हो सके। उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया और 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि यह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा को सौंप दिया जिन्होंने तब बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सर्वन क्रीडों के जंगल में बो दिया। यहाँ 6 बहनों द्वारा बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिकाएं ने उनकी देखभाल की इसलिए इस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष हथियार दिए गए। कार्तिकेय ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंततः राक्षस को मार डाला और दुनिया में शांति की स्थापना की। क्योंकि कार्तिकेय का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता जिसका संस्कृत में अर्थ है उत्सर्जक, और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता का आशीर्वाद भक्तों को मोक्ष शक्ति समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करता है। उनका आशीर्वाद दोगुना होता है क्योंकि जब भक्त उनकी पूजा करते हैं तो उनकी गोद में उनके पुत्र भगवान स्कंद की स्वचालित रूप में पूजा की जाती है। इस प्रकार भक्त भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ स्कंद माता की कृपा का आनंद लेता है। यदि कोई भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। देवी स्कंद माता का इतिहास और भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति माँ बेटे के प्यार और सामंजस्य का प्रतीक है और उनकी पूजा शक्ति और सुख की ओर आग्रहण करती है। देवी स्कंद माता की भक्ति के दौरान भक्त विशेष रूप से पांचवें दिन का व्रत रखते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को पंचमी कहा जाता है और भक्त अपने मन वचन और क्रिया को माता के चरणों में समर्पित करते हैं। स्कंद माता की पूजा में भक्त उनके विग्रह का दर्शन करते हैं जिनमें भगवान स्कंद जी बाल रूप में माँ की गोद में बैठे हुए होते हैं। वे आरती गाते हैं और माता के लिए पुष्प सुपारी और अन्य भोग की अर्पणा करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले विशेष रूप से निसंतान दंपति और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए माता स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिससे उनकी बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत श्रेष्ठ और शांत होता है जो शास्त्रों में सिंह पर सवार हुई होती है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें से दाईं ऊपर वाली भुजा में वे अपने बेटे कार्तिकेय को गोद में उठाती हैं। ये दृश्य अत्यंत प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक होता है।
वे नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हुई होती है, जिसका संदेश है कि वे सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम तरीके से जीवन का सामर्थ्य बनाती है। उनकी बाई ऊपर वाली भुजा से जगत को तारण देने की वरद मुद्रा में होती है, जिससे वे सभी के लिए रक्षा और सुरक्षा की प्रतीक्षा करती है। उनकी बाई नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प होता है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। उनका स्वरूप पुनर्तः शुभ्र होता है और वे कमल के आसान पर बैठी होती है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और पवित्रता का प्रतीक मिलता है। इसलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन भक्त विशेष रूप से पुष्कल के महत्व को मानते हैं और माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ स्कंद माता के पूजन मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:43 AM से शुरू होगी और 5:34 AM तक रहेगा। प्रातः संध्या 5:08 AM से 6:24 AM। अभिजित मुहूर्त 11:43 AM से 12:29 PM। विजय मुहूर्त 2:00 PM से 2:45 PM तक। गोधूली मुहूर्त 5:48 PM से 6:13 PM। सायाह संध्या 5:48 PM से 7:04 PM। अमृतकाल 12:14 PM से 1:51 PM। माता स्कंद माता की पूजा विधि। स्कंद माता की पूजा को नवरात्रि के पांचवें दिन के रूप में आयोजित करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक तैयारी करनी चाहिए। पूजा के लिए एक कुश या कंबल पर बैठकर करें। माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करें और स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ कलश पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता को पीले रंग की चीजें प्रिय होती हैं, इसलिए पीले फूल, फल, पीले वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। अगर आप अग्यारी करते हैं तो रोज की तरह लोग, बताशा आदि चीजें भी अर्पित करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें भी अर्पित करें और फिर केले का भोग लगाएं। आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करें। शाम के समय में भी माता दुर्गा की आरती उतारें और इस पावन अवसर पर माँ की कृपा और आशीर्वाद की कामना करें। माँ स्कंद माता के बीज मंत्र। प्री क्लीम स्वमिन्यै नमः। प्रार्थना मंत्र। सिंहस्नक्ता नित्यं पद्माश्रित कर्द्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली माँ और अपने दो हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदाय हो। माँ स्कंद माता के स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम। सिंहुहा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनी। धवलवर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम। अभय पद्म युग्म करा दक्षिण उरु पुत्र धाम भजेन। पदाम्बर परिधाना मृदुहास्या नानालिकार भूषिताम। मंजीर धार केयूर किनकिनी रत्न कुंडल धारिणी। प्रफुल वंदना पल्लवांधरा कांत कपोला पीन प्योधराम। कमनिया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनी। माँ का प्रिय रंग और भोग। माता स्कंद माता का प्रिय रंग पीला होता है, इसलिए आप पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले फल का भोग अर्पित कर सकते हैं। वे चीजें माता को खास प्रिय होती है और उन्हें आपकी पूजा को प्रिय लगता है। भगवती दुर्गा को केले का भोग अर्पित करना विशेष धार्मिक मान्यता है और इस प्रसाद को ब्राह्मणों को देना मान्यता है कि यह मनुष्य की बुद्धि के विकास में मदद करता है। आरती के बाद पंचकन्याओं को केले का प्रसाद बांटने के प्राचीन परंपराओं में मान्यता है। इसके माध्यम से देवी स्कंद माता को खुश करने का उद्देश्य होता है और यह कहा जाता है कि इससे संतान सुख में वृद्धि होती है और संकटों का नाश होता है। वही बुद्धिबल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करे सेवन करे। इसके बाद ब्री स्कंदज्ञ नमः मंत्र का जप करें। बुद्धिबल के लिए यह उपाय दोपहर में शुभ मुहूर्त में करें। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए माता को कमल के फूल अर्पित करें। माँ स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे गुण गाए, तेरे भगत प्यारे भगती। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। इंदर आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दत्य जब चढ़ कर आएंगे, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस बुझाने आई। फोल्डेड हैंड्स।